गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मित्र पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2019 के नॉर्मलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों, कि कौन सी शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़े हैं। एसएससी सीजीएल 2019 मेंस का एग्ज़ाम तीन शिफ्ट में हुआ था, 15 नवंबर को, 16 नवंबर को और 18 नवंबर को, ठीक है। तो 15 नवंबर की शिफ्ट मानते हैं कि सबसे ज़्यादा हार्ड थी, उसके बाद 16 नवंबर की, और जो 18 नवंबर की शिफ्ट थी वो आज तक के इतिहास की सबसे ईजी शिफ्ट थी। और ये हमको देखने को मिला क्योंकि जिन कैंडिडेट का 520 प्लस नंबर थे उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है। और जो 15 नवंबर की शिफ्ट थी उसके अंदर 410 वाले कैंडिडेट का भी लिस्ट के अंदर नाम आ गया। तो इन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कौन सी शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़े हैं। इस वीडियो में मैंने कुछ स्टूडेंट्स के स्क्रीनशॉट लिए हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़े हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो बहुत मज़ेदार रहने वाली है। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, ठीक है दोस्तों। और जो टायर थ्री है इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड ये है कि इस मंथ के एंड तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों, इसका और CHSL 2019 टायर टू दोनों का। तो शुरू करते हैं अपनी आज का वीडियो, ठीक है दोस्तों। अब आपको मैं कुछ पहले स्क्रीनशॉट है वो दिखाता हूँ, उसके बाद कौन सी में कितने मार्क्स बढ़े वो दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हो पहला कौन सा है, ये कोई कैंडिडेट है मेरे भी कट ऑफ से 90 नंबर ज़्यादा है फिर भी लिस्ट में नाम नहीं है, ये कैंडिडेट के 18 नंबर का शिफ्ट का कैंडिडेट है, ठीक है दोस्तों। इसकी कैटेगरी कोई भी हो लेकिन आप देख सकते हो कि कट ऑफ से 90 मार्क्स ज़्यादा नंबर थे, ठीक है, लेकिन फिर भी इस कैंडिडेट का लिस्ट में नाम नहीं है। मतलब जिस शिफ्ट जो 18 नवंबर की शिफ्ट है उसके अंदर क्या है, मार्क्स बहुत ज़्यादा कम हुए हैं, ठीक है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, तीन चीज़ें होती है, ठीक है, जो मार्क्स बढ़ते हैं वो तीन तरीके से बढ़ते हैं कि कुछ शिफ्टें हार्ड होती है, कुछ शिफ्टें थोड़ी मॉडरेट होती है, कुछ शिफ्टें ईजी होती है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे मैं ये ग्राफ ड्रॉ करूँ, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, जो रो मार्क्स है वो हो गए, ठीक है। जो हार्ड शिफ्ट है ना, हार्ड शिफ्ट के अंदर क्या होता है, ये इस तरीके से बढ़ता है, मतलब काफ़ी ऊपर होता है। अगर आपके मार्क्स यहाँ हैं, जैसे यहाँ मैंने मानूँ 100 मार्क्स है तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर आपका यहाँ 110 मानूँ तो आपके ये होगा, ठीक है, नॉर्मलाइज स्कोर हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है। एक शिफ्ट ऐसी होती है जो थोड़ी मॉडरेट टाइप की होती है ना, उसमें मैंने मान लिया कि इसकी बेस लाइन है, ठीक है दोस्तों, रो मार्क्स वाली, तो इसके अंदर क्या आता है, ये थोड़े कम बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे 100 मार्क्स है मेरे, तो नॉर्मलाइजेशन बाद मेरे क्या 105 मार्क्स बढ़ेंगे, 105 मार्क्स होंगे टोटल, ठीक है दोस्तों। और एक शिफ्ट ऐसी आती है जिसके अंदर क्या होता है, जो ईजी शिफ्ट होती है उसके अंदर क्या होता है, ये मैंने मान ली अपनी बेस लाइन, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है कि एक इसके जो बेस लाइन वाली और ये क्या है आपके रो मार्क्स स्कोर है, ठीक है दोस्तों। ये रो मार्क्स स्कोर मतलब यहाँ पे मैं बेस स्कोर मानूँ तो अगर मैंने जो एवरेज स्कोर है ना अगर वो लिया है ना तो मेरे मार्क्स ना इंक्रीज होंगे ना डिक्रीज होंगे, अगर मैंने एवरेज स्कोर से कम लिया है ना तो मेरे मार्क्स है ना ड्रास्टिकली चेंज होंगे, बहुत ज़्यादा डाउन होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा चेंज होंगे। और ये अपन को 18 नवंबर की शिफ्ट में देखने को मिला, ठीक है, 18 नवंबर की शिफ्ट में मार्क्स ऐसे डिक्रीज हुए। 18 नवंबर की जो शिफ्ट थी उसके अंदर मैथ का एवरेज स्कोर 190 माना जा रहा है, जिन कैंडिडेट के 190 मार्क्स थे ना उनके क्या नंबर इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुए, ठीक है दोस्तों। और 190 से कम थे ना उनके नंबर बहुत ज़्यादा कम हुए, मतलब 70-70 से नंबर कम हो गए अगर आपके 190 से मार्क्स कम आ गए तो, ठीक है। और 190 से जिनके मार्क्स ज़्यादा है तो उनके नंबर बढ़े हुए लेकिन उतने नहीं बढ़े जितने कि ये जो 15 नवंबर और 16 नवंबर की शिफ्ट में बढ़े हैं, ठीक है। 18 नवंबर की नंबर बढ़े हैं, 190 प्लस नंबर है जिनके नेट के मैथ में, उनके नंबर बढ़े हैं लेकिन इतने नहीं बढ़े। और इंग्लिश का जो लेवल था सब पेपर मेरे हिसाब से सेम था, मैंने खुद उस तीनों पेपर थे उनको पर्सनली देखे हैं तो मेरे को उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा, हालांकि मैथ में अच्छा खासा डिफरेंस था और जो 18 नवंबर का पेपर था उसने बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपको जो कमेंट्स थे वो दिखाता हूँ, आप देख सकते हो अगला कमेंट्स है ये, सर वन ऑफ माय फ्रेंड्स हैज गोट 370 रो मार्क्स इन एससी कैटेगरी एंड हर नेम इज इन मेरिट लिस्ट, इट मीन्स हर मार्क्स इंक्रीज बाय मोर देन 60%, है ये 16 नवंबर का कैंडिडेट है, 16 नवंबर का आप देख सकते हो 60 प्लस मार्क्स बढ़े हैं, ठीक है दोस्तों, 60 प्लस मार्क्स बढ़े। ये नहीं पता कि 60 प्लस से कितने हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, 80 भी हो सकते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं अगले कैंडिडेट कौन से हैं,
इनके मैथ में इतने मार्क्स थे, टोटल मार्क्स इतने थे टायर टू के अंदर, ठीक है। फिर 15 नाम की शिफ्ट थी लेकिन लिस्ट 3 में इनका नाम है, इसका मतलब ये इन्होंने बोला कि मेरे 84 मार्क्स बढ़े। अभिषेक अंदर है 84 प्लस मार्क्स बढ़े, 84 बढ़े ये नहीं पता इनको 84 से कितने बढ़े, 84 मतलब 90 बढ़ सकते हैं, 100 भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो, अपन अगले कैंडिडेट की तरफ चलते हैं। अगला है, आई फाउंड माई नेम इन द लिस्ट शॉकिंगली कॉज माई रो स्कोर फोर टायर टू इज 316.5 एंड टायर वन नॉर्मलाइज वाज 153.3 फ्रॉम यूअर कैटेगरी, सो इट मीन्स आई गोट मोर देन 59। ये क्या 16 नंबर का कैंडिडेट है, ठीक है दोस्तों, 16 नंबर वाले कैंडिडेट है, उनके क्या 60 प्लस बड़े बड़े हैं, ठीक है। अगला कैंडिडेट लेता हूँ मैं, अब इसके भी आप देख सकते हो, प्लीज़ हेल्प मी सर, आई गोट 114.3, 172 इन क्वांट, 150 इन इंग्लिश, 18 नंबर वाला कैंडिडेट, ठीक है। इसके मार्क्स क्या आप देख सकते हो, 190 से कम है, तो इसके नंबर कम हुए होंगे, आप देख लेना इसके अंदर, देख सकते हो आप कट ऑफ 434 थे इसके, 462 थे, फिर भी इसके क्या है लगभग 32 नंबर के इसके कम हो गए, ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो। इसके बाद अगला कैंडिडेट दिखाता हूँ आपको, ये रहा माई फ्रेंड मार्क्स इज 447 टायर वन एंड टायर टू यू आर टायर 15 नंबर हिज नेम इन देयर इन द लिस्ट विच मीन्स ए हाई कोप एट लिस्ट 81 मार्क्स। ये आप देख सकते हो 15 नंबर का कैंडिडेट है, इसके अंदर 81 प्लस नंबर इंक्रीज हुए हैं। इसके बाद आप देख सकते हो अगला दिखाता हूँ, आई एम ओबीसी कैंडिडेट, प्री के अंदर 172 थे, मैंस इंग्लिश के अंदर इतने थे और मैथ के अंदर इतने थे, 18 नंबर का कैंडिडेट था, इनका लिस्ट में नाम नहीं है। आप देख सकते हो उनके मार्क्स कितने हैं, लगभग 520 के अराउंड इनके मार्क्स है, लेकिन फिर भी इनका लिस्ट के अंदर नाम नहीं, इसका मतलब है इनका जो मैथ का एवरेज स्कोर है उनका एवरेज स्कोर से कम रहा है, इसलिए इनके नंबर कम हो गए, 60-70 नंबर कम हुए, ठीक है। अब मैं अगला कैंडिडेट लेता हूँ, ठीक है। इतने इतने कमेंट्स थे, मैंने दिखा दिया आपको, अब दिखाता हूँ मैं आपको जो मैंने बताया है कि कितने मार्क्स बढ़ेंगे हर शिफ्ट वाइज, ठीक है। तो आप देख सकते हो, पहले अपन चलते हैं 15 नवंबर की शिफ्ट की तरफ, 15 नवंबर की शिफ्ट, ये जो शिफ्ट थी सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट थी सीजन 2019 की, तो इसमें मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, ठीक है। जो कमेंट्स थे मैंने जब बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग मेरे को 85 प्लस वाले बहुत से कैंडिडेट मिल गए, लेकिन मेरे ये मानना है कि 85 प्लस ही बढ़े हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो स्कोर है ना 80 स्कोर, ये स्कोर 95 के अराउंड है, 95 के अराउंड आपके मार्क्स बढ़े होंगे हर बंदे के, ठीक है। आप देख लेना जब फाइनल रिजल्ट आया था, तो इसके बाद अपन चलते हैं 16 नंबर की शिफ्ट थी उसके अंदर, इसके अंदर 60 प्लस मार्क्स को मैंने आपको कमेंट दिखा दिए, ठीक है, नीचे कमेंट दिखा दिए जो कैंडिडेट के जेन्युइन कमेंट थे। इसके अलावा जो एक्चुअल में स्कोर है ना 60 प्लस तो बड़ा ही बड़ा है, लेकिन ये नहीं पता कितना बड़ा है, तो ये जो मेरे अकॉर्डिंग है मैंने जहाँ जितना एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग ये 70 के अराउंड हर कैंडिडेट के मार्क्स बढ़े हैं जो जिन्होंने 16 नंबर के अंदर एग्जाम दिया था। इसके बाद जो सबसे जो 18 नंबर को जिन कैंडिडेट ने एग्जाम दिया उनका मतलब लक ही ख़राब था, क्योंकि अगर कई बार ऐसा होता है कि पेपर ईजी जाता है फिर भी अपन स्कोर नहीं कर पाते, ठीक है। तो जिन कैंडिडेट का 190 से कम रह गया स्कोर ना, उनका क्या है स्कोर बहुत ज़्यादा कम हो गया, ड्रास्टिकली चेंज मतलब रिड्यूस हुआ है उनका, ठीक है। तो मार्क्स इंक्रीज भी हुए लेकिन इंक्रीज कब हुए हैं, जिनके 190 प्लस स्कोर है ना उनके इंक्रीज हुए लेकिन उतने इंक्रीज नहीं हुए जितने कि 15 और 16 नंबर को हुए हैं, ठीक है। तो उनके 2-4 नंबर इंक्रीज हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुए, तो जो लेकिन इसके अंदर जो ज़्यादा परसेंटेज के जो कम मार्क्स बहुत ज़्यादा हुए कैंडिडेट के, ठीक है, इसलिए जो ज़्यादातर कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो 15 और 16 नंबर से हुए हैं, 18 नंबर के कैंडिडेट बहुत कम एग्जाम में सेलेक्ट हुए हैं। वो अलग बात है कि 18 नंबर के जो कैंडिडेट हैं उनके 200 आउट ऑफ 200 है, लेकिन कैंडिडेट को नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं ऐसे अपडेट के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।